हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन का स्वागत है। कक्षा दसवीं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन का अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें से 70 से 80 नंबर का 100% जो है इस वर्ष परीक्षा में आएगा। आप जितने लोग पिछले वर्ष से मेरे से जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों को पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें से आते हैं। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, प्लस मैंने पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड से और प्लस जो है कुछ प्रश्न जो है हमको पता चलता है या लीक हो जाता है ना, उन प्रश्नों को भी मैंने इसमें डाल रखा है। तो देखिए सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते जाते जल्दी जल्दी। कक्षा दसवीं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, रामस आर्मी वाज बिल्डिंग। तो इसका पहला वाला ऑप्शन जो है आएगा दोस्तों, है ना, यहाँ पर ये ए ब्रिज आएगा। गॉलिबर वाज ए स्लम इन मुंबई पॉश कॉलोनी टाउन। तो इसमें ए आएगा दोस्तों, यहाँ पर स्लम इन ए मुंबई। मदर टेरेसा रिसीव्ड द नोबल प्राइज इन द ईयर 1979। तो यहाँ पर सी आएगा दोस्तों, 1979। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट साउंड इज, तो इसका डिसेबल आएगा, डेसिबल, ठीक है। इसके बाद आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला है व्हाट वाज द नेम ऑफ यंग ब्रदर, तो इसका आएगा निक्की आएगा दोस्तों। यहीं पर आंसर छुपा हुआ है, देखिए नीचे में, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है हु टॉट द लेसन ऑफ अहिंसा टू गांधी जी, तो गांधी जी को अहिंसा का पाठ किसने पढ़ाया था, उनके पिताजी हिज फादर आएगा। तीसरा है वेयर वाज उस्ताद बिस्मिल्ला खान बॉर्न, बिस्मिल्ला खान बॉर्न का जन्म कहाँ हुआ था, तो दुमराव गांव में हुआ था, ये लिखा हुआ है। विच कंट्री में खाप इस पेपर बाई रिसाइकलिंग, कौन सी कंट्री जो है पेपर को पुनः बनाने का कार्य करती है, तो ये है जापान। जैसे हम प्लास्टिक को फेंक देते हैं या कागज, रद्दी कागज, उसको फिर से जो है रिसाइकल कर देते हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं, और इसके बाद आते हैं पोएट्री सेक्शन में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड इच। तो यहाँ पर देखिए व्हाट वाज ए, व्हाट टाइम इज इंडिकेटेड थ्रू द फ्रेश मूनलाइट चिल, तो मिडनाइट आएगा इसमें। विच टू वर्ड डिस्क्राइब द स्वर्ड्स, स्लैंट एंड कवर्ड, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैच द कॉलम को सॉल्व कर देते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे को आप लोग कॉपी पेन से नोट जरूर करें, क्योंकि कॉपी पेन में नोट करने से जल्दी याद होता है दोस्तों, ये दावा है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉस्परस, प्रॉस्परस का आंसर डी आएगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आंसर रिच आएगा, ठीक है। सेकेंड है पाउस्ड, पाउस्ड का ए आएगा स्टॉप्ड, ठीक है। स्केप, स्केप यानी भाग जाना होता है, तो यहाँ पर ई आएगा रन अवे, देखिए रन अवे यानी भाग जाना। इन्वेंशन, इन्वेंशन यानी आविष्कार होता है, चार का बी आएगा डिस्कवरी यानी भी खोज या आविष्कार होता है। हर्ड, हर्ड का देखिए सी आएगा, है ना, ग्रुप। इसके बाद आते हैं मेक एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग बाय एडिंग एप्रोप्रिएट सफिक्स, इसमें सफिक्स यानी कि ये जो शब्द लिखा हुआ है इसी के आगे एकदम सही वाले वर्ड को लगाना है। तो जैसे गिल्टी है तो गिल्टी वाई लगा देंगे, पेन है तो पेनफुल, ये आंसर है इसका, देखिए लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन के आंसर सब लिखा हुआ है, है ना। ब्यूटी, ब्यूटी का आप सबको पता है ब्यूटीफुल बनता है इससे, ठीक है। इसके बाद पिक आउट द प्रीफिक्स फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो, री राइट, है ना, प्रीफिक्स को अलग करना है। प्रीफिक्स यानी क्या होता है, प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग होता है, उपसर्ग यानी जो सामने में जो वर्ड दिया है अक्षर, जैसे कि यहाँ पर री दिया है तो री को अलग कर देंगे, अनवांटेड में अन को अलग कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट पे एम्प्लॉय को अलग कर देंगे, एग्जैक्टली में एग्जैक्ट प्लस एल वाई को अलग कर देंगे, है ना। आप देखिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन बिलो, इसको बाद में करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर ट्रांसलेशन में आते हैं, है ना। लोग नदी में स्नान करते हैं तो द पीपल टेक बाथ इन द रिवर, तुम ईमानदार हो, यहाँ पर तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट है इसका आंसर। मैं सोमवार को भोपाल जाऊंगा, तो आई विल गो टू भोपाल ऑन मंडे,
क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? डू यू रीड इंग्लिश? आप क्या चाहते हो? वाट डू यू वॉन्ट? माली पौधे को पानी दे रहा है। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। कल बहुत गर्मी थी तो इट वॉज यस्टरडे वेरी हॉट यस्टरडे। खाली स्थान भरना है दोस्तों, इसके बाद है ना ये शब्द दिया हुआ है, इसी को खाली स्थान में भरना है। इट इज ए कूल एट नाइट। यहाँ पर एट आएगा पहला में, ठीक है, एट। सेकेंड, देयर इज ए ब्रिज। ओ आर आएगा, ये वाला ओ आर ए लिखा हुआ है, देखो ओ आर आएगा। यहाँ पर भी आंसर लिखा हुआ है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। डू ए डायरेक्टेड, सी लाइक कॉफी। सबको करा देता हूँ मैं। पहला है सी लाइक कॉफी। चेंज इंटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी क्या होता है? प्रश्नवाचक। इसमें सहायक क्रिया नहीं दिया है, यहाँ पर डस बस सामने में लगाना है आपको। डस सी लाइक कॉफी, ठीक है, ये हो गया, आंसर बन गया आपका। चेंज इंटू इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर दैट बस लगा देना है और कुछ नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ ऐसा, टी एच ए टी, दैट बस ये बीच में लगा देना है, ठीक। तो ही सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर, इसको हटा देंगे। माई यंगर ब्रदर लाइव इन केरला, निगेटिव। तो यहाँ पर डिड नॉट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो डिड नॉट लिख देंगे। इसका आंसर भी मैंने नीचे में दे रखा है, देख लीजिए, सभी का आंसर है। आप इसको स्क्रीनशॉट करके, पहले इसको स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पर आंसर को भी आप नोट कर सकते हैं। ये दिया है देखिए आंसर, इसको नोट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट करके, फिर कॉपी में आप सॉल्व करके जरूर देखना है। अगर आपको इंग्लिश में पास होना है दोस्तों, तो आपको कुछ कुछ पॉइंट को लिख कर देखना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स फिर से आ गया, तो सील ऑन इज, सील ऑन इज एन आइसलैंड आएगा। यहाँ पर द गंगा और यहाँ पर ए आएगा। आई हैव ए पेन, यहाँ पर ए आएगा, वन रुपीस। फिर से खाली स्थान है, इसको भी कंप्लीट, सभी खाली स्थान को कंप्लीट कराना है मुझे। तो यहाँ पर मे आएगा, मे गॉड ब्लेस यू, ये वाला। वी ऑट, यहाँ पर ऑट आएगा। हाउ डेयर, हाउ डेयर यू फाइट विथ मी, इट इज गेटिंग लेट, आई गो, मस्ट आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एरर ढूंढना है आपको, देखिए एरर ढूंढना है। आप देखिए दोस्तों, ये तो वीडियो में आप देख रहे हैं, यदि आपको पीडीएफ मिल जाता है इसका, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर बहुत सारा क्वेश्चन दिए, इसका आंसर क्यों नहीं दिए हैं। भाई बहुत सारे क्वेश्चन को जो इसमें को मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, वो उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सी ऑलवेज वियर लॉस्ट ड्रेस, तो यहाँ पर सी ऑलवेज वियर लॉस ड्रेस, लूज है यहाँ पर, ये लॉस जो लिखा है ये गलत लिखा है, इसकी जगह आपको लूज लिखना है। एरर यानी क्या होता है? गलती को ढूंढकर लिखना है। राम गोस टू आएगा, यहाँ पर गोस सही आंसर है। रोहित इज द ऑनेस्ट बॉय, रोहित इज एन ऑनेस्ट, यहाँ पर एन लगाना है आपको। फिर से एरर है, इसको भी कंप्लीट कर लेना दोस्तों, क्योंकि सारे को समझाने का समय नहीं है। इसको भी नोट कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन, देखिए ये जो क्वेश्चन है फीस कंसेशन वाला, इसको भी सॉल्व कराया जाएगा, ठीक। ये जो लिखा है इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन ये आगे में है, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू ट्रांसफर सर्टिफिकेट को जरूर देख लेना, ये आता है पेपर में, है ना। अब ये तो सभी को आता है ना। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोगांव रायपुर एसर छत्तीसगढ़ लिख देंगे, रिगार्डिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। I humbly beg to say that my father has been transferred to Indore, यहाँ पर transfer लिख देना है, ठीक है, है ना। यहाँ पर सारे आंसर दिया हुआ है, देखिए ये इसी आंसर को आपको मैच करके इसमें डालना है, ठीक। तो ये दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करा देता हूँ। देख respectfully यहाँ पर आएगा पहला, ठीक है। transfer second यहाँ पर आएगा,
है ना, ये इशू सबसे लास्ट में ही आएगा, ठीक है। तो सारे को नोट कर लेंगे। आप क्वेश्चन आंसर पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आंसर में एक बात बता दूं कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पेन से ऑलरेडी उसमें ब्लू कलर से टिक कर दिया है, कहने का मतलब है देखिए ऐसा मैंने यहाँ टिक किया है, इसी बस को पढ़ना है, बाकी को आपको छोड़ देना है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं भाई, आपकी इच्छा, परंतु जो मैंने टिक किया है ब्लू कलर से उसको बस करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द बी स्टिंग राजा, बिकॉज राजा ट्राई टू कैच इट। अब यहाँ पर ये टिक लगा हुआ है, देखो ब्लू कलर में, राजा ग्रैंड, व्हाई डिड राजा ग्रैंड फादर सेंट गिफ्ट टू द ओल्ड मैन, राजा ग्रैंड फादर सेंट गिफ्ट टू द ओल्ड मैन एज ए रिवार्ड फॉर करिंग राजा। हाउ वाज द टाइगर ब्लॉकिंग द थ्रेशोल्ड, ही सेट इट सच ए वे दैट हिज लॉन्ग बॉडी कवर्ड द एंटायर डोर विद, वेयर डिड द टाइगर गो फाइनली। तो ये आंसर दिया हुआ है, इसको नोट जरूर कर लेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है सेकेंड पार्ट में कराया जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट था, चूंकि 15 से 20 मिनट या एक घंटे का होता है तो बच्चे जो है इसको देखते नहीं है, इस वजह से है ना मैं 10 मिनट का दो पार्ट में करा रहा हूँ।